थर्ड ईयर इंग्लिश लेक्चर नंबर 40 टॉपिक टेक पीटी चैप्टर नंबर 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू थर्ड ईयर क्लास? आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला एंड एंजॉयिंग अ वेरी सेफ एंड साउंड हेल्थ एंड मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डेंजर्स एंड ईवल्स, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आई से वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई क्लास and let's continue our chapter, that is chapter number 5, Take PT. And dear students, in previous lecture I told you that the Take PT is a story of a woman whose name was Eva, and she was a very, you can say, independent type of lady who did not accept any kind of help in the form of charity. After the death of her husband, she tried to live a life of self-respect and honor, and somebody who wants to give her help, she refused. Okay, so let's continue our chapter. He looked restless, seemed to be listening to her for something, although Debtu was convinced there was absolutely nothing to listen to. Okay beta, isme hum dekhte hain previously ke Debtu and jo uska beta dost hai, theek hai, डेविडो उसका दोस्त जो है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर, यू कैन से सेंसस, वो दोनों क्या है बेटा, मर्दमशुमारी से सेंसस टेकर हैं, मर्दमशुमारी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। मर्दमशुमारी करते हैं वो लोग, और दे आर टॉकिंग अबाउट ईवा बिकॉज डेविडोस फ्रेंड ही आस्क्ड हिम दैट वेयर डिड ही मीट ईवा, ठीक है। सो It was only when the census taker, somewhat irritably and with increasing loudness, repeated a question that Rosen stood and identified himself. Okay, but इसमें क्या कह रहे हैं कि it was only when the census taker, somewhat irritably, ठीक है, बड़ा irritably, irritate होते हैं ना कि परेशान होके, ठीक है, तो कहते हैं कि he asked some question and with increasing loudness mean with a यू कैन से टू इंक्रीज द loudness ऑफ द वॉइस, के अपनी आवाज़ को ऊँचा करना, ठीक है। रिपीटेड अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन रिपीट करते दैट रोजन स्टेड मीन बट एक्साइटेड एंड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, के रोजन है जो कि रोजन को कर देता है, एक्साइट कर देता है, उसको उसका जोश बढ़ा देता है, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू फर्निश एन एड्रेस बट कॉट हिमसेल्फ एंड श्रग्ड। ओके बेटा, ही वॉज अबाउट टू मीन नियर टू, करने ही वाला था, क्या फर्निश मीन इशू या सप्लाई, ठीक है, कि उसमें से एक एड्रेस जो है वो निकालने वाला था, या उसको उस पर जो उन्होंने भेजना होता है, काम करना होता है, वो करने ही वाला था। बट ही कॉट हिमसेल्फ एंड श्रग, लेकिन उसने अपने आपको रोक लिया, और श्रग मीन जैसे आप क्या कह सकते हैं कि जैसे कांपना या जैसे कंधे उचकाना, इस सेंस में आएगा, ठीक है। ओके, डेविडो डिड नॉट कमेंट ऑन द सेल्समैन्स जेस्चर सो बिगन ही नॉडेड। ओके, उसने जो है वो कोई सेल्समैन जो उसका दोस्त था बेटा, उसके उस पर कोई उसने जो है वो नोटिस नहीं लेता, सो बिगन ही नोटिस, ने इशारा किया। अब वो डेविडो किसको कह रहा है, रोजन को, ठीक है, कह रहा है कि सो बिगन, स्टार्ट करो अपनी स्टोरी। ही नोडेड, नोडेड मीन टू शेक हेड, सर हिलाना, इशारा करना, सर हिला के इशारा करना। हु नोज वेयर टू बिगन, रोजन स्टेड एट द ट्रॉन्च गेट, डू दे नो हिम वेयर टू बिगन। अब बेटा वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच रखता है इस टाइम, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, ही ट्राई टू हेल्प एवा इन एवरी मैटर बट शी कंटिन्यूसली रिफ्यूज, दैट्स वाई ही इज़ इन पेसिमिस्टिक अप्रोच नाउ, ठीक है। थोड़ा सा वो बेटा हो गया है, मायूस हो गया है, इस वजह से वो कह रहा है कि हु नोज़ वेयर टू बिगन, किसको पता है कि कहाँ से शुरू करना है। रोजन स्टेयर्ड एट द, स्टेयर्ड मीन लुक, गेज, देखना या घूरना। तो जो ड्रॉन शेड था, जो वहाँ पे शेड एक आ रहा था जिसको ड्रॉ किया था बेटा, उसकी तरफ देखता है। डू दे नो हेयर वेयर टू बिगन, क्या उनको यहाँ पे पता था कि कहाँ से शुरू करना है। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एवा एंड हर हस्बैंड। फिलोसफी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, सेड डेविडो, स्टार्ट इन हाउ यू मेट हर। कहते हैं मैं फिलोसफी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम उससे कहाँ मिले थे, ठीक है। सो इफ़ आई गॉट टू बिगन, हाउ यू नो अबाउट ऑलरेडी, कहता अगर मैंने ही स्टार्ट करना है, मैंने ही तुम्हें बताना है, सो हाउ डिड यू नो ऑलरेडी, तो तुम्हें इन सब के बारे में पहले से कैसे पता है कि यू आर आस्किंग मी अबाउट एवा, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है। रोजन आस्क्ड ट्रायम्फेंटली, उसने फतेहमंदाना अंदाज में कहा, ठीक है। डेविड स्पोक वेयरली, यू मेंशन बिफोर, ठीक है, वो उसका बड़ा गमगीन होके या बड़ा सैड होकर बेचारा कहते हैं कि तुमने पहले जिक्र तो किया था। रोजन रिमेंबर्ड,
They had questioned him upon his arrival and he now recalled blurting out her name. Okay, beta. अब रोजन को याद आ गया. दे हैड क्वेश्चन हिम अपॉन, तो उन्होंने लोगों ने या जो उसके जो बेटा उसका सर्कल था उन्होंने उससे क्वेश्चन किया था अपॉन हिज अराइवल, उसकी आमद के बारे में. एंड ही नाउ रिकॉल, रिकॉल मीन दोबारा से याद करना, ठीक है. एंड रिकॉल ब्लर्टिंग आउट हर नेम, ब्लर्टिंग होते एक्सक्लेम, मतलब कि जैसे जोश से बेटा एक आवाज़ कोई नाम लेता है, ठीक है. एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, तो जो जरा ना उसको उस पर एम्फसाइज करके बेटा कोई चीज़ काम कहते हैं, ठीक है. तो हो गया उसको ब्लर्टिंग आउट हर नेम, उसका नाम जैसे वो लेता है. इट वॉज पर हैव समथिंग इन द एयर, इट डिड नॉट परमिट यू टू रिटेन व्हाट यू रिमेंबर. कहते हैं कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हवा में कुछ है. इट डिड नॉट परमिट, ये आपको इस चीज़ की परमिट मीन अलाउ, ये आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है. यू टू रिटेन, रिटेन मीन कीप, कि तुम उस चीज़ को रखो. व्हाट यू रिमेंबर, जो तुमको याद है. दैट वॉज पार्ट ऑफ द क्योर इफ यू वॉन्टेड अ क्योर, तो कहता है ये क्योर का, ये इलाज का, ट्रीटमेंट का एक पार्ट है अगर तुम वाकई ट्रीटमेंट चाहते हो, ठीक है. थोड़ी सी बेटा ये फिलोसफी टाइप यहाँ पे चीज़ हो गई है. इसका एक्चुअली जो है ना वो स्टोरी से हम कह सकते हैं कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो रोजन है वो इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो अजीब सी बातें कर रहे हैं. ओके, वेयर आई मेट हर, अब वो नाउ ही इज रिमेम्बरिंग, ठीक है. रोजन मर्मर्ड, मर्मर्ड मीन मुँह में ही जो है ना वो जैसे बात करते हैं, ठीक है. आई मेट हेयर वेयर शी ऑलवेज वॉज, इन द बैक रूम देयर इन दैट होल इन द वॉल, दैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी आई वन देयर. कहते हैं कि वो कहाँ पे थी, फिर उसको याद है कि आई मेट हर, मैं उससे वहाँ पे मिला. वेयर शी ऑलवेज वॉज, जो कि जहाँ पे वो हमेशा से थी. इन द बैक रूम, बैक रूम पिछले कमरे में. देयर इन दैट होल इन द वॉल, जो कि एक वॉल में एक होल की तरह था, ठीक है. मीन टू से कि बेटा क्या चीज़ बता रहा है, कि उनकी गुर्बत बता रहा है, उनकी पॉवर्टी बता रहा है, कि हाउ पुअर दे वर, रोजन एंड हर हस्बैंड एंड हर डॉटर्स, हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे वर लिविंग. दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी, ठीक है बेटा. दैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, कहता था कि मेरे लिए एक वेस्टेज ऑफ टाइम था. आई वेंट दे, कि मैं वहाँ पर गया. मे बी आई सोल देम हाफ अ बैग ऑफ कॉफ़ी अ मंथ, दिस इज़ नॉट बिजनेस. कहता कि हो सकता है कि वो मे बी हाफ अ बैग ऑफ कॉफ़ी अ मंथ, एक महीने में एक जो हाफ जो कॉफ़ी का बैग है वो सेल करते हों, ठीक है ना. कहते ये तो कोई बिजनेस नहीं है. इन बिजनेस वी आर नॉट इंटरेस्टेड. अब वो डेविड ऑफ कहते हैं कि हम बिजनेस में तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे सीधी तरह जो है ना मुझे सारी कहानी बताओ, सारी बात बताओ. वट देन यू आर इंटरेस्टेड, फिर तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो. रोजर मिमिक्ड डेविड ऑफ टोन, उसने मिमिक में नकल उतारना, ठीक है, मिमिक्री करना, उसने उसकी टोन में उसकी नकल उतारी. डेविड ऑफ क्लैम अप कोल्डली, ओके बेटा. क्लैम अप कोल्डली मीन के एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, क्लैम अप कोल्डली एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, वो एकदम से जो है बेटा खामोश हो जाता है, वो कोई बात नहीं करता, ठीक है. ओके बेटा, रोजन न्यू दे हैड हिम वेयर इट हर्ट, सो ही वेंट ऑन. ओके, रोजन कहते हैं कि रोजन न्यू दे हैड हिम वेयर इट हर्ट, के उसको पता था कि वो उसको उस पॉइंट पे लेके आ गए थे, सो ही जहाँ पे वो हर्ट हुआ है, ठीक है. बिकॉज ही एक्चुअली वॉन्टेड टू हेल्प एवा, वो वाकई ही एवा की मदद करना चाहता था. मे बी ही वॉज इन लव विद हर, या फिर इट वॉज सिंपथी, वॉट एवर, बट ही रिफ्यूज्ड, शी रिफ्यूज्ड हिज हेल्प, दैट्स वे ही वॉज इन अ काइंड ऑफ अ बैड सिचुएशन, ठीक है. सो ही वेंट ऑन, वो बात करता रहा. द हस्बैंड वॉज मे बी 40, अब वो बेटा उनकी कहानी बता रहे हैं, ठीक है, कि द हस्बैंड वॉज मे बी 40, एक्सल कैलिश, ओके, उसका नाम क्या था बेटा, एक्सल कैलिश हस्बैंड का नेम था. अ पॉलिश रिफ्यूजी, और वो बेटा पॉलिश रिफ्यूजी था, मीन टू से कि वो पॉलिश से कहाँ आया था, पोलैंड से. पोलैंड पॉलिश, पॉलिश किस हुए थे बेटा, द पर्सन हु लिव्स इन, हु इज़ इनहेबिटेंट ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड का बाशिंदा हो. तो जैसे हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो वी आर कॉल्ड पाकिस्तानी, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकन कहलाते हैं, ठीक है. इसी तरह से पोलैंड के रहने वाले बेटा पॉलिश कहते हैं, ठीक है उसको. और पॉलिश रिफ्यूजी, ही वॉक्ड लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स व्हेन ही गॉट टू अमेरिका, कहते जब वो अमेरिका आया तो कैसे काम करता था. ही वॉक्ड लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स, ठीक है बेटा. इस चीज़ को समझते हैं कि हु वर्कड डे एंड नाइट, इट इज़ कॉल्ड दैट ही इज़ वर्किंग लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स, जो कि बेटा 24 घंटे काम करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करता है, उसको हम कहते हैं ही इज़ वर्किंग लाइक अ ब्लाइंड हॉर्स, ठीक है. एंड सेव्ड मे बी 2-3,000 डॉलर्स, और कहते हैं कि शायद 2 या 3,000 डॉलर बचा लेता हो. दैट ही बॉट विद द मनी दिस स्पेशल ग्रॉसरी इन अ डेड नेबरहुड वेयर ही डिडंट हैव अ चांस, कहते हैं कि वो उसने यहाँ पे पैसे लगाए इस ग्रोसरी में, ठीक है. तो
कहते कि उसने पैसे वहाँ पे लगाए ग्रोसरी में इन अ डेड नेबरहुड, जो कि डेड नेबरहुड में थी, मीन टू से कि जो इसकी जो सराउंडिंग थी, ठीक है, इट वाज नॉट यू कैन से जैसे हम कहते हैं ना कि ये एरिया है जिसमें बेटा बिजनेस चल सकता है, अच्छी जगह हो जहाँ पे, ठीक है। तो कहता है कि वो डेड नेबरहुड था, वहाँ पे कोई इतनी ख़ास उसकी जो है वो आमदनी नहीं हो सकती थी, ठीक है। ही कॉल माई कंपनी अप फॉर क्रेडिट, क्रेडिट मीन फॉर टेकिंग लोन। तो कहते उसने मेरी कंपनी को कहा कि हमें लोन दो, ठीक है, एंड दे सेंट मी आई शुड सी, और बेटा उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी ने मुझे भेजा ताकि मैं उनको देख सकूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये एक रूल होता है कंपनी का कि होम दे वॉन्ट टू गिव लोन दे हैव अ लॉट ऑफ इंक्वायरी अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। तो बेटा उस शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करवाते हैं, इसलिए सो दैट ही दे मे नो दैट वेदर ही इज यू कैन से सूटेबल फॉर दिस लोन और नॉट, क्या वाकई वो डिजर्विंग है या नहीं है। ही कॉल माई कंपनी अप फॉर क्रेडिट एंड दे सेंट मी आई शुड सी आई रिकमेंडेड ओके। कहते मैंने उनको ओके कह दिया, क्यों कहा, बिकॉज आई फेल्ट सॉरी, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, ठीक है। ही हैड अ वाइफ एवा, यू नो ऑलरेडी अबाउट हर एंड टू डार्लिंग डॉट गर्ल्स 1, 5 and 1, 3। कहते कि उसके जो है वह उसका नाम एवा था, जिसको तुम पहले जिसके बारे में जानते हो, एंड शी हैड टू डॉटर्स, दे वर वेरी डार्लिंग, मीन टू से दे वर वेरी ब्यूटीफुल एंड डियर डॉटर्स, एंड वन ऑफ देम इज 5 एंड द सेकेंड वन इज ऑफ 3 years ओल्ड, लिटिल डॉट्स फेगा एंड सुरे, दे वर देयर नेम, दैट आई डिडंट वॉन्ट देम टू सफ़र। कहते मैं नहीं चाहता कि वो सफ़र करें, दैट दे पास अ डिफिकल्ट टाइम, सो राइट अवे आई टोल्ड हिम विदाउट ट्रिक्स। कहते फिर मैंने उसको क्या बताया कि डू दिस इज़ अ मिस्टेक, दिस प्लेस इज अ ग्रेव, हेयर दे विल भरी यू इफ यू डोंट गेट आउट क्विक। कहते वो यहाँ पर तुम भरी रो जाओगे, मीन टू से कि यहाँ पर तुम्हारा सर्वाइवल, तुम यहाँ से बच नहीं सकोगे। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट क्रेडिट, अगर तुम क्रेडिट ले भी लेते हो, अगर लोन लेके तुम अपनी ग्रोसरी शॉप चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर इट वॉन्ट रन है, यहाँ पे वो चलेगी नहीं। सो व्हाट विल हैपन के वो तुमसे फिर जब जाहिर तुमने लोन लिया है तुमको पे बैक भी करना पड़ेगा, तो तुम पे बैक कहाँ से करोगे, ठीक है। सो कह रहे कि हे दे विल बरी यू, अब दे बेटा किसके लिए यूज़र है, फॉर द कंपनी, ओके, इफ़ यू डोंट गेट आउट, अगर तुम यहाँ से नहीं निकलते हो तो। रोजन साइड डीपली, बड़ी बेटा गहरी सांस लेता है, सो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, इट्स मीन व्हाट हैपन नेक्स्ट, फिर क्या हुआ बाद में। डेविडो हैड दस फॉर रिटर्न नथिंग एकिंग द एक्सेज में, ओके, कहते क्या वो कुछ नहीं लिख रहा था, एकिंग ट्रम्बलिंग, ठीक है, वो बिल्कुल जो है वो बेटा उसको तरफ देखी जा रहा था, एक्सेज मैन की तरफ, ओके बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट लेक्चर्स, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।